नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो साइंस का आपका थर्ड चैप्टर है मेनली फिजिक्स में, उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। तो नाइन्थ तक न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए थे, आइए टेंथ न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, फोर रेजिस्टेंस ऑफ 10, 4, 6 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। किस में कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी आर वन दे रखा है 10 ओम, आर टू दे रखा है 4 ओम, आर थ्री आर फोर है, इस प्रकार दे रखा है। ए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को आप जानते हैं कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। बाकी यूनिट देख के आप समझ सकते हैं कि वोल्ट किसकी यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो कैपिटल वी दे रखा है आपका 7.5 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो ये जो सीरीज में लगे हैं ना रेजिस्टेंस, इनके यानी इस अरेंजमेंट के टर्मिनल्स के बीच कौन लगा है? 7.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी दे रखा है। फाइंड द करंट, एक तो आई निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन ईच रेजिस्टेंस। यानी आर वन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वी वन ने आपको निकालना है, आर टू के लिए निकालोगे तो वी टू, आर थ्री के लिए वी थ्री और आर फोर के लिए वी फोर। तो ये आपको निकालना है। आइए देख लेते हैं टेंथ न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो आर वन आर टू आर थ्री आर फोर जो दे रखे हैं मैंने लिख लिए, वी 7.5 वोल्ट है, आई आपको निकालना है और वी वन वी टू वी थ्री भी आपको निकालना है, जैसे कि आपने समझा अभी तक। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ था रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। क्या होता है, सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, तो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर हो जाएगा। सबकी वैल्यूज हैं, इन्हें जोड़ दो तो आर कितना हो जाएगा आपका 25 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आप आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर तो निकाल लिया लेकिन हमें आर नहीं निकालना, ओम्स ला जानते हो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो यहां से आप आई निकाल लो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। बात क्लियर है? तो आई निकालना था करंट, क्योंकि करंट निकालना है, देख सकते हो आप यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू वोल्ट, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू कितनी है? 7.5 वोल्ट दे रखी है, देख सकते हो। आर की वैल्यू अभी निकाली है 25, तो 25 पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, तो 25 थ्री जा 75 हो जाएगा, 3 अपॉन 10 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 0.3। अपॉन में 10 है ना, यानी अपॉन में 1 के आगे एक जीरो है, तो पीछे से एक अंक बाद एक डिजिट बाद क्या लग जाएगी पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, फॉर्मूला आप जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V वन इज इक्वल्स टू आई वन आर वन हो जाएगा किसके लिए? फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, इसलिए आई वन आई टू आई थ्री नहीं होगा, आई सेम रहेगा तीनों के लिए, तीनों रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री के लिए आई कैसा रहेगा? सेम। तो V वन इज इक्वल्स टू आई इंटू आर वन, आई कितना है 0.3, जैसे कि आप देख सकते हैं। आर वन कितना था 10 ओम, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3 वोल्ट। इसी प्रकार आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालें किसके लिए? सेकंड रेजिस्टेंस के लिए, तो वी टू इज इक्वल्स टू आई इन टू आर टू, तो 0.3 की मल्टीप्लाई आर टू में कर दो, आर टू कितना है 4 ओम, तो कितना आ जाएगा 1.2 वोल्ट। इसी प्रकार आर थ्री के लिए, तो वी थ्री इज इक्वल्स टू आई इन टू आर थ्री, तो 0.3 की मल्टीप्लाई आर थ्री में कर दो, यानी किस में? 6 में, तो कितना आ जाएगा 1.8 वोल्ट। फिर फोर्थ रेजिस्टेंस के लिए निकालो इसी प्रकार, ठीक है ना, तो आर फोर की वैल्यू रखो 5, तो इस प्रकार ही आ जाएगा। तो यही तो निकालना था, करंट निकालना था, कितना आया 0.3 एम्पियर, ये रहा, ठीक है ना। और आपको रेजिस्टेंसेस, प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो पहले के लिए 3 वोल्ट, दूसरे के लिए 1.2 वोल्ट, तीसरे के लिए 1.8 वोल्ट और चौथे के लिए 1.5 वोल्ट। बात क्लियर है? तो ये टेंथ न्यूमेरिकल है, इसे आप देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद देखो 11th न्यूमेरिकल है आपका, इन द सर्किट, इस सर्किट में गिवन बिलो, इस जो सर्किट दे रखा है ना, ये आपको क्या फाइंड करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है, जो बीच वाला रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है ना, आर वन आप 2 ओम मान सकते हो, ये सेकंड आपको निकालना है और ये 4 ओम दे रखा है। ठीक है, जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस है इसके एंड्स के बीच, इसके सिरों के बीच जो वोल्टेज दे रखा है 1.0 वोल्ट दे रखा है, पूरे सर्किट में जो करंट है वो 1.5 एम्पियर है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको ए और बी, यानी पूरे ए और बी जो सर्किट है इनके ए और बी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1.5 एम्पियर वही डायग्राम है आपका, आर आपको निकालना है और ए बी के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी वी ए बी। तो आप जानते हैं ओम्स ला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो वी की वैल्यू क्या है 1.0, आई की वैल्यू क्या है 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो आर इज इक्वल्स टू आपको कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3 ओम। आर तो निकल गया, यही तो आपको निकालना था, ठीक है ना भाई। आर आर निकालना है तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है, वी आपको पता है इसके लिए कितना है 1.0, तो वी की वैल्यू रखो। आई जो है तीनों के लिए सेम है, आई तो तीनों के लिए सेम रहेगा, तो कितना है 1.5, तो कितना आ जाएगा 2/3। इसके बाद देखो
जब इसकी वैल्यू आ गई 2/3, तो यानी 2, 2/3 और 4 तीनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जानते हैं, जोड़ देते हैं आर डैश मान रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, क्योंकि आर तो वो है ना, आर तो ये दे रखा है, इसलिए आप इस आर डैश मान लो नया सिंबल। तीनों को ऐड करोगे कैलकुलेशन करके कितना आएगा 20/3। इसके बाद देखो हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी ए बी। तो आप जानते हो R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो V इज इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, लेकिन V को आप वी ए बी से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि V किस किस के बीच है, A और B के बीच। I आपका पूरे सर्किट के लिए सेम है, R की जगह क्या आएगा R डैश, क्योंकि आप पूरे सर्किट की बात कर रहे हो ना, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना माना हमने R डैश, और वो कितना है 20/3। I की वैल्यू क्या है 1.5, R डैश की वैल्यू कितनी है 20/3, तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ 0.5 आएगा, तो 3 5 जा, ठीक है, कितना हो जाएगा 15, तो इसका मतलब है 0.5 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 10 वोल्ट। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की निकलवा रहा था कितनी आई 2/3, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच कितना आया 10 वोल्ट। ठीक है, देखें यहाँ तक आप। इसके बाद देखो 12 न्यूमेरिकल आप पढ़ें, देखो क्या कह रहा है, थ्री रेजिस्टेंसेस हैं, पहला 1 ओम है, दूसरा 3 ओम है, तीसरा 6 ओम है, ये एक कनेक्टेड है सेल के द्वारा, सेल का ईएमएफ कितना है, वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट। तो उसने पूछा हाउ मच टोटल करंट विल फ्लो इन द सर्किट, आई पूछा है टोटल करंट। रेजिस्टेंसेस वो कह रहा है पहली स्थिति में मान लो किसमें जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और दूसरी स्थिति में मान लो किसमें जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल का वो नेग्लिजिबल है ना, तो सेल अपने आप ही सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल दे रखा है, छोड़ो, है ना। देखो रेजिस्टेंसेस आर, देखो पहले तो जो जो दे रखे हैं R1, R2, R3 सबके मान लिख लिए, V दे रखा है 1.5, करंट आपको निकालना है। तो रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट पार्ट में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा फॉर्मूला, सबकी वैल्यू रख दो तो कितना आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 निकल गया। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाला, क्योंकि आपको करंट निकालना है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा, R की वैल्यू चाहिए, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़ा। तो R की वैल्यू क्या है 10, ऊपर V की वैल्यू क्या है 1.5, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0.15, तो I की वैल्यू कितनी आई 0.15। ठीक है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए आपका करंट आया, लेकिन आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यानी सेकंड पार्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको करंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना, और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है, मैं देखूंगा किस किसने किए। तो यहाँ तक आप कर लेंगे, और फिर इसके बाद आगे भी आप देखना ट्राई करके, जो जो न्यूमेरिकल्स आप पे हो सकते हो आप देख लेना, और साथ में 12 तक मैंने न्यूमेरिकल आपको कराए, तो इन 12 तक जो भी एग्जाम्पल आपको इस बुक में मिले वे एग्जाम्पल भी आप करेंगे, ठीक है ना।